गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप कर रहे हैं मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम। ये आप प्रोसैस मॉडल शुरू किए हुए से, तीन मॉडल हो गया स्टूडेंट अपने, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इनहैंसमेंट मॉडल। तीन आप कर चुके इटरेटिव इनहैंसमेंट मॉडल। अज आप लास्ट मॉडल करना है, दैट इज द स्पायरल मॉडल। द स्पायरल मॉडल वाज डिजाइन टू इनक्लूड द बेस्ट फीचर फ्रॉम द वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। जो स्पायरल मॉडल है, देखो ये आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो दो मॉडल है ना उन्होंने मिलकर बनाया गया, कि वाटरफॉल से प्रोटोटाइपिंग मॉडल। जो तो दोनों कंपोनेंट्स नू रिस्क फैक्टर नू आपां इकट्ठा कर देने तो अपने कोल केड़ा मॉडल बन जाता है, स्पायरल मॉडल बन जाता है। द टर्म स्पायरल इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसैस ऑफ फॉलो द डिवेलपमेंट ऑफ द सिस्टम टेक्स प्लेस। ये देखा जाता भी जी सिस्टम की डिवेलपमेंट है वो कितने केड़े प्लेस से जाके हो रही है। सिमिलर टू द प्रोटोटाइप मॉडल एंड इनिशियल वर्जन ऑफ सब्जेक्ट डिवेलप्ड एंड दैन रेपीटेडली मॉडिफाइड बेस्ड ऑन इनपुट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इवेल्यूएशन। जिमें आप देखा जाए ना, प्रोटोटाइपिंग मॉडल के एक स्टेजिज बन दिया सी, इवेल्यूएशन अगेन एंड अगेन परफॉर्म होंगी रही थी। ये भी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, जिमें जिमें कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट दसदा रहा उमें उमें प्रोसैसिंग दोबारा परफॉर्म होंगी रही है। अनलाइक प्रोटोटाइप मॉडल, हाउएवर द डिवेलपमेंट ऑफ ईच वर्जन ऑफ सिस्टम इज केयरफुली डिजाइन यूजिंग द स्टैप इनवॉल्व इन द वाटरफॉल मॉडल। लेकिन कहने प्रोटोटाइपिंग मॉडल उन्होंने केयरफुली नहीं डिजाइन किया जाता है, पर ये जो स्पायरल मॉडल है हरेक प्रोसैस जी एक केयरफुली डिफाइन की जाती है, हरेक प्रोसैस के साइकिल है जी वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। विद ईच इटरेशन अराउंड द स्पायरल, स्पायरल स्पायरल समझ लो ना जिम्मे एवं गोल आकार फॉर्म के चलती है, प्रोग्रेसिवली मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सिस्टम एंड रिस्क इंक्लूडिंग इन द स्टैप ऑफ डिवेलपमेंट प्रोसैस। तो रिस्क फैक्टर नाल मन के चलती है भी जो कोई रिस्क आ जाता है तो उन्होंने रिस्क को किवें होल्ड किया जा सकता, कवर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सबस्टेंशियल इनक्रीज इन अ कोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग वन फेस ऑफ रिस्क असैसमेंट, द कस्टमर और डिवेलपर मे डिसाइड इट डज नॉट मेक सेंस टू कंटिन्यू विद प्रोजेक्ट। कहते जो एक कस्टमर तो एक प्रोजेक्ट डिवेलपर पता लग जाता है एक पॉइंट पर आके भी प्रोजेक्ट की कोस्ट अपन बहुत ज़्यादा पै रही है तो ये रिस्क ज़्यादा है, तो उस प्रोजेक्ट को अगे कॉन्टीन्यू करन दा कोई भी फायदा नहीं होंदा, उते आपां डिसीजन लै लैने भी इस प्रोजेक्ट नूं इत्थे ही रोक दिता जाए ताकि होर आपां नूं इहदा डिसएडवांटेज ना हो। इस तरह नाल ही टाइम टू टाइम जिहड़ी हैगी रिक्वायरमेंट दे अकॉर्डिंग देखदा रहिंदा है। द डिवेलपमेंट ऑफ स्पायरल कंसिस्ट ऑफ फोर कोआर्डीनेट्स हुंदे आ। कोआर्डीनेट वन दे विच की है, डिटरमिनेंट, ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव ते कॉन्सटेंट देखे जांदे। कोआर्डीनेट टू दे विच फिर उन्होंने इवेल्यूएट किया जाता अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई रिस्क, तो फिर कोआर्डीनेट थ्री के डिवेलप वेरीफाई नैक्सट लैवल प्रोडक्ट्स, फोर्थ के प्लान नैक्सट फेज, ये सारा काम किया जाता है। तो कोआर्डीनेट वन के डिटरमीने डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड अल्टरनेटिव एंड कॉन्सटेंट। देखो पहले डायग्राम देख लो, एक स्पायरल की फॉर्म च बनाया हुआ है, तो चार अपने को फैक्टर है, इधर आ अपना हो गया डिटरमीनेशन ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग द रिस्क, तो इतने की हो रहा है अपना डिवेलपमेंट एंड टेस्ट, इतने प्लान, ये सारिया इटरेशन जी अगेन एंड अगेन एक सर्कल की फॉर्म के परफॉर्म होंगे रहेंदियाँ। तो कोआर्डीनेट वन के एक तो यह करता है एस्टैबलिश एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम और प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव, नेमली परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी, ये सारा कुछ देखा जाता है एक सिस्टम के फंक्शनैलिटी परफॉर्म किवें हो रही है। फिर देखा जाता इन्वेस्टिगेट इंप्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव, नेमली डिजाइन देखा जाता है, उन्होंने रीयूज किवें करना है, प्रोसैस मॉडिफाई किवें करना, यह सारिया चीज़ा देखिया जाए। फिर थर्ड पॉइंट के इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट कॉन्सटेंट इंपोज ऑन अल्टरनेटिव, नेमली टेक्नोलॉजी को शड्यूल स्पोर्ट रिस्क यूज़ की है, वो सारे ये आप मैनशन करते हैं। फिर अपने को आ जाता कोआर्डीनेट टू, कोआर्डीनेट टू के देखे जाते इवेल्यूएट अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई रिजॉल्व रिस्क, जिन्हें भी कहें अपने को आप शड्यूल सपोर्ट किया उस प्रोसैस में फॉलो करने के जो कोई अपने सामने रिस्क फैक्टर आ जाता है उन्होंने रिस्क फैक्टर सॉल्व करने अपने को अल्टरनेटिवस है, उन्होंने अल्टरनेटिवस आप किस तरह असैस करवा सकते हैं, क्लैरीफाई कर सकते अपन नीड्स, वो सैकेंड फॉर्म के देखा जाए। थर्ड के देखा जाता डिवेलप वेरीफाई नैक्सट लैवल प्रोडक्ट, अगले लैवल आप डिटरमीनाइट करते हैं भी कि सॉफ्टवेयर के पीस अपने को डिवेलप हुए पे है, नैक्सट लैवल के अपन की एफर्ट्स करनिया पैनगियाँ, नैक्सट लैवल पर पहुँचने की रिजल्ट हो डिज़ाइन होने और डिवेलपमेंट किवें होनी है, तो जिन्हें जिन्हें अपने प्रोडक्ट उन्हों की इंटीग्रेशन किवें होनी है वो आप थर्ड के देखते हैं। लास्ट फोर्थ अपने को प्लान नैक्सट फेजिज, हम फोर्थ के जो भी अपने को रिजल्ट आता उस रिजल्ट के बेसिस के उपर आप जो अगले फेसिज है उन्होंने आप प्रोपर अपनी तैयारी करते हैं, किस तरह एक स्पायरल नूं अगेन एक प्रोसैस में दोबारा चलाना है, उन्हें कि चेंजिज करने हैं, ये इस साइकल के देखा जाता है।
एडवांटेज की है, यानी अभी अपने को स्पाइरल मॉडल दिया, सब तो पहली हैगी है एलिमिनेट्स बिकम मोर रियलिस्टिक एंड वर्क प्रोग्रेसिव बिकॉज इंपॉर्टेंट इशूज आर डिस्कवर्ड अर्लीयर। ये अपने को कहने एरर्स आने के घट चांसिस होंगे है, क्योंकि अपने को जो इंपॉर्टेंट डिस्कस होंगे आप अर्ली स्टेज पर ही पॉइंट्स नू डिस्कस कर लेने, तो ये भी अपने लिए अगे जाके जड़िया मतलब अननेसेसरी जड़िया कंडीशन होंगे वो रिमूवेबल हो जाए, एलिमिनेट्स हो जाए एट द फर्स्ट पॉइंट पर। इट इज़ मोर एबल टू कॉप्स विद द चेंज जेट सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट जनरली इंटेल्स। कि सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट करनी है कि वो आउटपुट्स आनी है वो ही पहले ही उसको मद्देनज़र रख के चलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन गैट देयर हैंड्स इन स्टार्ट वर्किंग ऑफ प्रोजेक्ट अर्लीयर। जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सारा डाटा इन हैंड होंगे इंजीनियर के हाथ में। हम कहते स्पाइरल मॉडल अपने को प्रॉब्लम्स भी आदि है, कहते कई बार की होंगे स्ट्रेंथ से वीकनेस होंगे हरेक चीज़ दियाँ, कई बार ये रिस्क जो फैक्टर्स उन्होंने काउंट करना डिफिकल्ट हो जाता है स्पाइरल मॉडल के। रिस्क फैक्टर जो आप नहीं गेन कर सकते प्रोजेक्ट के फेलीयर के चांस हो जाते हैं, तो अपनी कोस्ट जी है ज़्यादा इनवॉल्व हो जाती है। ठीक है जी, अपना सगा स्पाइरल मॉडल, अपने मॉडल्स खत्म होंगे। नैक्सट वीडियो आप अगला टॉपिक शुरू करा।